यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, आप 4 जून को हमसे फिर बात करेंगे और दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 80 और 20 की लड़ाई होगा। जितने वोट हम पिछले दफे जीते थे उससे अधिक मतों से इस बार हम चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया गया है, क्या कहना है? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री यशस्वी आदरणीय अमित भाई शाह ने आज जो दोबारा मुझे यहाँ पर एक साधारण कार्यकर्ता को पिछले दफे भी यहाँ पर टिकट देने का काम किया और यहाँ के लोगों ने 3 लाख लगभग मतों से जिताने का काम किया, फिर दोबारा जो टिकट मिला तो हम केंद्रीय नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से बधाई और धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी को भी धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। सर 19 में जो मार्जिन था जीत की, क्या लगता है इस बार? 5 लाख पर देखिए, इस बार कोई दरभंगा लोकसभा में लड़ाई नहीं है, 80 और 20 की लड़ाई है और 80-20 में हमको कहीं से लगता नहीं। सर आप 80-20 के कह रहे हैं और दरभंगा में ही ललित यादव जी जो लोग मजबूत पक्ष आरजेडी के मानते हैं वो भी इस बार आपके आमने सामने होंगे? नहीं, एकदम सही बात है। एनडीए गठबंधन पूरे राज्य में 40 में 40 जीतने जा रही है, पिछले दफे तो हम 39 पर थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया 400 पार, तो उस 400 में 40 बिहार का ही रहने वाला है एनडीए गठबंधन के माननीय सांसद। और जो दरभंगा और जो मिथिला में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है, आज जनमानस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यों से खुशी है और जो एनडीए गठबंधन हम लोगों का है, माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी और जो मोदी जी का काम किया हुआ है उसमें कहीं कोई पूरे बिहार में लड़ाई नहीं। सर आपका भी काम कुछ अधूरा है यहाँ दरभंगा में? अभी दरभंगा में हमने एयरपोर्ट चलाए और 18 लाख लोग उड़ान भर चुका है। अभी हमने यहाँ पर आमस दरभंगा 12.5 हजार करोड़ से काम तेजी से चल रही है। अभी हमने जो आज़ादी से एक भी लो कॉस्ट ओवर ब्रिज से लेकर के और आरओबी का निर्माण नहीं हुआ, अभी 8 आरओबी दरभंगा शहर में आरओबी और लो कॉस्ट मिला करके सब पर हमने काम प्रारंभ करवाने का काम कर दिया है। अभी जहाँ पर यही यूपीए सरकार में जब रेल लाइन दरभंगा मुजफ्फरपुर का डिलाही में शिलान्यास हुआ था 2008 में, उस पर भी हमने अभी काम प्रारंभ करवाया और मिथिला को जोड़ने के लिए तो 88 साल बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आप जाकर के देखें कोसी रेल महासेतु आज तक किसी सरकार ने सुधी नहीं लिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज कोसी रेल महासेतु भी बन के तैयार हुआ और यहाँ तो एम्स के लिए भी 1264 करोड़ कैबिनेट करके प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2020 को देने का काम किया और डायरेक्टर भी दिया। राज्य में जब सरकार से हम लोग अलग हुए तो उसमें ज़रूर कुछ बाधाएं आई, वह भी अब सरकार में आने के बाद वह भी बाधा दूर हो रही है। और हम आपको कहें आज तो दरभंगा में जहां यूपीए सरकार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय हटा लिया गया, 18 साल बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भेज करके और पुनः 18 साल बाद राष्ट्रीय जुड़वाने का काम किया और यहां पर अब आप जाके देखें अनुसंधान केंद्र में डायरेक्टर आ गया जो ख़त्म हो गया था पद,
आज वैज्ञानिक वहाँ पर मिलेगा, आप फंडिंग मिलेगा और पूरे देश का पानी पर फलने वाला फल का रिसर्च सेंटर हुआ। आज 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई इसी दरभंगा में, लेकिन आज तक FM नहीं था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज FM 5 किलोवाट का भी शिलान्यास किए हैं और 4,80,00,000 की लागत से नवीकरण स्टूडियो का भी हो रहा है। आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर, आज तक इतने सरकार इतने रेल मंत्री राज्य बिहार से रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोहरीकरण का काम हो रहा है। आज सकरी हसनपुर रेल लाइन 46 साल बाद सारा बाधाएं दूर करके अभी काम चल रहा है। ककर घट्टी सीसो आपके बगल में 253 करोड़ की लागत से 80% काम पूरा हो गया है, स्टेशन भी बनके तैयार है। आज बिहार का दूसरा IT पार्क की आप बात करें या दूसरा तारा मंडल निर्माण की बात करें या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 150 करोड़ से बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पर विश्व स्तरीय स्टेशन का भी माननीय प्रधानमंत्री जी 350 करोड़ लगभग की राशि से शिलान्यास किए हैं और सकरी और लहरियासराय स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में भी शिलान्यास हो गया। काम सब पर चल रहा है, प्रशासनिक भवन हो, कर्मचारी भवन हो, चाहे दरभंगा स्टेशन पर गेस्ट हाउस की निर्माण की बात करें या फिर अमृत भारत ट्रेन ही की बात करें तो देश में पहला ट्रेन दरभंगा को मिला जो दरभंगा अयोध्या और इस देश में जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो आज 370 धारा समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं नागरिक संशोधन कानून बिल की बात करें, 3 तलाक की बात करें, चाहे 500 साल बाद अयोध्या पर भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें या गंगा पर सिमरिया आप चले जाएं, 1,000 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। 6 लेन पुल अभी प्रधानमंत्री जी गांधी सेतु के बगल में निर्माण कार्य करा रहे हैं या दीघा पुल की आप बात करें या कैंसर अस्पताल की बात करें तो मुजफ्फरपुर में आप जाएं, कैंसर अस्पताल इस उत्तर बिहार के केंद्र में बना है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास यहाँ पर हुआ, आज तो हम कहें तो आज दिल्ली मोड़ पर आप चले जाएं तो एयरपोर्ट 4 लेन के लिए सारा प्रोसेस हो गया है, वर्क ऑर्डर भी निकल गया होगा और 1,000 लगभग की राशि से वहां 15 किलोमीटर का बात हो गया है। रोसड़ा से 500 करोड़ की लागत से बहरी होकर के और दरभंगा का भी काम हुआ है। आज तक जितने जनप्रतिनिधि रहे या राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार, जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिथिला क्षेत्र में हुआ है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मैथिली अष्टम सूची दिए थे और आप जाएं तो अभी CBSE में मैथिली का बुक छप रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लोकल फॉर वोकल की भी बात करें तो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अभी आप चले जाएं तो काशी विश्वनाथ से लेकर के जितने ज्योतिर्लिंग है सारे पर काम कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, चाहे बाबा केदारनाथ। सर, ललित यादव जी को हराने का कोई यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। आप 4 जून को हमसे फिर बात करेंगे और दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 80 और 20 की लड़ाई होगा। सर, 4 जून को इससे भी ज्यादा गुलाल लगेगा। आप काउंटिंग में आए और काउंटिंग के बाद हमसे मिलेंगे और आप देखेंगे जितने वोट हम पिछले दफे जीते थे उससे अधिक मतों से इस बार हम चुनाव।